अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 7 है। जो प्रैक्टिस नाउ 7 है उसमें क्या कह रहा है कि उसने हमें एक क्वेश्चन दे दिया कि भाई एक लड़की है, नोरा या लड़का जो भी है नाम, वैसे लड़कियों वाले हैं, वो एक सूप का ऑर्डर करती है एक रेस्टोरेंट में। स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सादे अल्फाज में स्टेटमेंट समझा रहा हूँ कि वो एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर करती है सूप का, जिसकी मार्क प्राइस सूप की कितनी है, $6.90 है, और उसमें 15% क्या है डिस्काउंट है। 15% वो लोग डिस्काउंट तो देते हैं किसके मार्क प्राइस है, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं कि सर्विस चार्जेस जो है वो भी ऐड करते हैं, और GST 7% जनरल सेल टैक्स जो होता है, GST जनरल सेल टैक्स जो होता है वो भी ऐड करते हैं। तो बताएं कि टोटल उसे नोरा ने कितना बिल पे किया, मतलब हमने टोटल बिल जो है वो बताना है आफ्टर 15% डिस्काउंट एंड 10% सर्विस चार्जेस प्लस 7% GST। तो चलिए हम सबसे पहले 15% निकालते हैं, डिस्काउंट निकालते हैं। देखिए आप इस बेहतर है व्यू लेते हैं अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट की जो अमाउंट है वो कितनी बनती है, डिस्काउंट कितना है 15% है। किसका 15% है, 15% ऑफ $6.90 का। तो ये आ जाएगा, ये 15% जिस नंबर के साथ हो उसके नीचे 100 लगाते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, डॉलर का साइन ऐसे आ जाएगा, 6.90 आ जाएगा। अब 15 को मल्टीप्लाई करो 6.90 से, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर दोगे, तो हम चेक करते हैं कि जी 50 मल्टीप्लाई बाय 6.90 डिवाइड बाय 100 1.035 डॉलर क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ठीक है, ये डिस्काउंट हो गया, तो न्यू प्राइस क्या आ जाएगी, न्यू प्राइस आफ्टर 15% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट के बाद नई प्राइस क्या आ गई। डिस्काउंट से पहले कितनी थी, $6.90 पहले थी, जिसमें क्या हुआ कि 1.305 डॉलर क्या कर दिया गया, डिस्काउंट दे दिया गया। अगर डिस्काउंट दे दिया गया तो फिर पीछे कितनी अमाउंट होती है, 6.90 माइनस 1.035 5.865, ये वो अमाउंट है जब न्यू प्राइस आ गई है आफ्टर 15% डिस्काउंट। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि इस अमाउंट पे उन्होंने क्या लेना है, सर्विस चार्जेस। अब देखो अमाउंट ऑफ सर्विस चार्जेस हम निकालेंगे, अमाउंट ऑफ सर्विस चार्जेस कितने हैं, 10% ऑफ किसके हैं, 10% है जी 5.865, इस पर 10% जो है वो सर्विस चार्जेस भी ऐड करेंगे। तो सर्विस चार्जेस जब ऐड करेंगे तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 5.865 क्या हुआ कि जिस नंबर के साथ परसेंटेज होता है उसके नीचे 100 लगाते हैं, आपका मतलब मल्टीप्लाई होता है 5.865 इसी तरह। अब इस वैल्यू को पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया उसे 100 में डिवाइड कर दो। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.5865 ये आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया जी, आ गई है। अब जो क्या हो गया, ये चीज आ गई, अब यही वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें। अच्छा जी, अमाउंट ऑफ बिल आफ्टर एडिंग ऑफ 10% सर्विस चार्जेस, मैंने सर्विस चार्जेस का SC लिख दिया है ज्यादा टाइम बचाने के लिए, वो कितना हो जाएगा, पहले बिल कितना है, पहले बिल है जी 5.865 है, उसमें 0.5865 सर्विस चार्जेस भी ऐड कर दिए गए। ठीक है, जब सर्विस चार्जेस 5.865 प्लस 0.5865 6.6 कितना आ गया जी 4515
ये बिल अब बन गया है तब जब उसमें सर्विस चार्जेस भी क्या कर दिए गए हैं, ऐड कर दिए गए हैं। कितने ऐड किए गए हैं? 10% सर्विस चार्जेस ऐड किए गए। अब अमाउंट ऑफ जीएसटी, इसके बाद उन्हें जी अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी भी तो कितना है? जीएसटी 7% है। 7% ऑफ किसका? 6.4515। तो 7/100 मल्टीप्लाई बाय 6.4515। अब हम 7% इसका निकाल लेते हैं, यानी 0.45 1605। अब हमारे पास जो है ना टोटल बिल जो बनेगा ना, अच्छा अब देखो टोटल बिल इंक्लूसिव 10% सर्विस चार्जेस प्लस एंड प्लस 7% ऑफ जीएसटी के टोटल इंक्लूसिव, यानी इंक्लूडिंग, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूडिंग 10% सर्विस चार्ज एससी में लिखिए शॉर्ट करके सर्विस चार्जेस प्लस 7% ऑफ जीएसटी, तो टोटल बिल कितना होगा? अब आप देख सकते हैं कि अगर जगह नहीं मैं यहां लिखने लगा, अब मैं क्या लिखूंगा? 6.4515। ये वो बिल है जिसमें 10% ऐड हुआ हुआ, इसी में जस्ट मैंने क्या कर देना है, ये वाली वैल्यू ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल बिल आ जाएगा 0.45 1605। अब देखो क्या होगा, ये पॉइंट में बात है। अब देखें क्या हुआ, ये जो वैल्यू है ना 6.4515, ये वो वैल्यू जिसमें 10% ऐड हुआ है, क्योंकि 10% जब ऐड हुआ हुआ है तो उसमें ये वैल्यू आ गया। 10% में मैंने 7% जो मेरा जीएसटी है वो कितना आ गया, 0.45 1605 आ गया। ये जो 7% जीएसटी है ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा बिल में, तो मेरे पास टोटल बिल आ जाएगा 6.9 0305। मैंने सारा लिख दिया है, लेकिन आपकी जो बुक है मेरे ख्याल में बुक में ये 6.90 शायद आपके रूप में आंसर है। तो अब आप देखें कि बात वहीं की वहीं आ गई, यानी बात वहीं की वहीं आ गई कि जितना इधर था वही आ गया, इन्होंने सिर्फ क्या है इधर से डिस्काउंट दे के बाकी ये चीज़ें नहीं डाल दी हैं, तो बिल्कुल वहीं का वहीं बन गया। तो इस तरह हमारे पास में जो है, अच्छा एक और चीज़ है, हो सकता है आपके जेन में हो कि उन्होंने 15% क्या किया था डिस्काउंट किया और 17% ऐड कर दिया, तो अमाउंट में जो है इतना वेरिएशन उस तरह क्यों नहीं है? देखो उसमें यह है कि जो 15% है इस एक्चुअल अमाउंट पे है, जबकि जो 10% है 10% किसी और अमाउंट पे है, और जो 7% है वो एक नई अमाउंट पे है, तो इसलिए दो दफ़ा जब डिफरेंट परसेंटेज के साथ ऐड किया जाता है तो डेफिनेटली वो वेरिएशन आएगी। यानी अगर आप 15% इसका निकालें और एक दफा फिर आप क्या करें, कोई दूसरा बिल है, एक बंदे ने 15% इस पर डिस्काउंट दिया, दूसरे बंदे जिसने 10% एक डिस्काउंट लिया लेकिन इंसिस्ट करने पर उन्होंने 5% डिस्काउंट फर्दर दे दिया, तो अगेन अगर वो 10% एक दफा दिया और नई अमाउंट पे फिर उन्होंने 5% दिया तो डेफिनेटली ये अमाउंट भी आएगी, चेंज आएगी। तो ये हमारे पास बस जो है हो गया 7 का पार्ट 1। बेसिक वीडियो को पास करके इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि हम इसका जो पार्ट अगला है ना बी उसकी तरफ मूव करें। अब वो मैं आपको सादा ज़बान में समझाता हूँ, क्वेश्चन लंबी चौड़ी स्टेटमेंट में नहीं पढ़ता। अब वो कह रहे हैं बंदा है जिसका नाम खैरुल है, अब वो एक रेस्टोरेंट पे जाता है और वो एक ऑर्डर करता है सेट ऑफ मील का, उसमें जो है 20% डिस्काउंट है, मतलब एक कोई भी एक खाना है उस पर कोई डिश है उसको वो ऑर्डर करता है और उस पर 20% डिस्काउंट है। अब अगर देयर इज अ सर्विस चार्जेस 10% एंड जीएसटी 7%, अब अगेन देनी के 7% उसने जीएसटी भी, जीएसटी देने 7% और 10% जो है सर्विस चार्जेस भी उसके बिल में ऐड हो गए। अब वो बताएं कि अगर गिवन दैट ही पेज अ टोटल ऑफ 23.5
$4। आप कह रहे थे उसने 23.54 जो है उसने क्या कर दिया, बिल पे किया है। तो मार्क प्राइस ऑफ अ सेट ऑफ मील जो है वो हमने क्या करनी है, निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ मील आफ्टर कुछ बेशक आप डिस्काउंट लिख लें, उस डेटा जो आप मैं थोड़ा सा मैंशन करता हूँ, डिस्काउंट जो है 20% है। सर्विस जो चार्जेस है मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सर्विस चार्जेस जो है वो कितने हैं जी, 10% है, 10% सर्विस चार्जेस है। और GST जो है वो कितना है जी, 7% है। जो टोटल बिल उसने पे किया है वो उसने कितना किया जी, 23 समथिंग है, कोई 23.54 उसने क्या किया है, पे किया। अब देखें प्राइस ऑफ मील आफ्टर, देखें प्राइस ऑफ मील आफ्टर किसका, सर्विस चार्ज, सर्विस चार्ज इज दैट इज 10% एंड GST जो कितना है, GST कितना है, 7% है। 7% ब्रैकेट में लिखा हुआ ये चीजें। अब होगा क्या, ये हमारे पास हो जाएगा जी टोटल बिल जो है डिवाइडेड बाय 100 प्लस जो सर्विस चार्जेस प्लस जो GST है वो इसमें ऐड होगा, सर्विस चार्जेस प्लस GST मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो जो टोटल बिल उसने कितना पे किया है, 23.54 डिवाइड बाय 100 प्लस कितना हो जाएगा जी, 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 100, तो $23.54 हो जाएगा जब ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये हो जाएगा जी 170 हो गया। अब देखें हमारे पास इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 23.54 डिवाइड बाय 170, ये हमारे पास आ जाता है कि 20.11 आ जाता है, $20.11 जो है तकरीबन $20 ही है ना, हमारे पास क्या आ जाता है, बिल आ जाता है। मील ऑफ प्राइस ऑफ मील जो है वो कितनी है, 20 थी, अब 20 थी, अब 20 में से उन्होंने क्या किया कि कर दिया 23.54 किया। अब देखो 20 उसको जब डिस्काउंट मिला तो $20 राउंड ऑफ आते 20 थे, जो कि ऐड जब सिक्योरिटी चार्ज सॉरी सर्विस चार्जेस और GST ऐड होता है तो ये 23.54 होता है। इसलिए हमने क्या किया कि इसमें से सर्विस चार्जेस और जो GST है उसको जब माइनस किया तो हमारे पास हमें पता चला कि असल में बिल ये था जिसमें 10% क्या किया गया सर्विस चार्जेस और 7% GST जब ऐड किया गया तो तब जाकर ये बना, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, मार्क प्राइस निकालनी है, ठीक है जी। अब मार्क प्राइस निकालने के लिए सिंपल बहुत आसान सा काम है, मैं यहाँ कह रहा हूँ देखो मार्क प्राइस इज इक्वल टू बिल आफ्टर डिस्काउंट डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा जी, हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, और उसने हमें क्या दे दिया, अच्छा इसमें हाँ 20% डिस्काउंट दिया, 100 माइनस डिस्काउंट की जो परसेंट दिए गए। अब देखो बिल जो है वो हमारे पास 20.11 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20% क्या है डिस्काउंट था, तो ये हो गया जब 20.11 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा जी 80। अब हमारे पास क्या हुआ, 20.11 कैसे हुआ, जब 100 इससे मल्टीप्लाई हुआ ना तो ये पॉइंट खत्म हो गया और 80। अब इन दोनों को जब आप डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास तकरीबन $25.1 आ जाता है, $25.1 जिसे आप लिख सकते हैं $25, यानी कि क्या है मार्क प्राइस जो थी वो हमारे पास इस पर मार्क प्राइस कितनी थी, $25 थी।
प्राइस $25 थी, जिसमें से जब आप उसने क्या किया 20% उन्होंने क्या कर दिया डिस्काउंट दिया। जब 20% उन्होंने डिस्काउंट दिया उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 10% सर्विस चार्जेस और 7% जीएसटी ऐड किया, तो ये टोटल 23.54 हो गया। अगर वो डिस्काउंट ना देते तो डेफिनेटली ये $25 से बिल ने ऊपर जाना था। तो अब देखें यहाँ पर जो हमने लिखा है टोटल बिल आफ्टर डिस्काउंट कितना, आफ्टर कौन सा वाला ये डिस्काउंट है जो कि जीएसटी और वो निकाला ना हमने जीएसटी, और अब सिर्फ टोटल बिल भी लिख सकते हैं। अब सिंपल इसमें इसको टोटल बिल करेंगे, बिल जो है टोटल बिल, बल्कि आफ्टर डिस्काउंट लिखना पड़ेगा। आफ्टर डिस्काउंट उसकी वजह है, आफ्टर डिस्काउंट कौन सा जो प्राइस ऑफ, या आप यू भी लिख सकते हैं प्राइस ऑफ मी, यानी कि प्राइस ऑफ मी, इधर आप यू भी कर सकते हैं प्राइस ऑफ। अच्छा स्टेटमेंट बड़ी हो जाएगी, इसको पहले किसी तरह क्या जी बात प्राइस टोटल बिल टोटल बिल जिसमें से निकाला गया है जीएसटी और सर्विस चार्जेस को माइनस करके, ये वाला बिल यानी आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 17% टोटल बिल आफ्टर 17% डिस्काउंट, इस तरह बस से ये समझना ज्यादा बेहतर है। कोई लंबी चौड़ी स्टेटमेंट या लंबा एक खींच कर क्वेश्चन के बजाय मैंने शार्ट इस तरह किया ताकि बिल्कुल टू द पॉइंट मैं रहूँ क्वेश्चन में, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको मसीह लंबा चौड़ा खींच के ना ले जाऊँ। अच्छा इसमें हम चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें वो कहें वीडियो पास अगर स्क्रीनशॉट लें ताकि इसका अगला क्वेश्चन कर। अच्छा 8 के मुझे कह रहा है कि कैलकुलेट द टैक्स पेएबल फॉर अ चार्जेबल इनकम ऑफ 42,000 अकॉर्डिंग टू द टैक्स रेट गिवन इन द टेबल। अब देखो ऊपर टेबल दिया हुआ है, टेबल के हिसाब से ये क्वेश्चन जो है 1B का क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कराया हुआ, अगर वो आपने लेक्चर देखा हो तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हम इसमें लिखेंगे ये टोटल जो इनकम है ना वो कितनी है, टोटल इनकम है $42,000 है, ठीक है $42,000 है। पेएबल टैक्स ऑन, अब देखो अकॉर्डिंग टू टेबल पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट 40,000, यानी 40,000 पे कितना टैक्स है वो फिक्स है 550 यानी 550। टेबल में आप देखें तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की वैल्यू दी हुई है कि अगर फर्स्ट 20,000 हो तो अगर कोई बंदा 20,000 कमाता है तो उसे टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर बीस नेक्स्ट 10,000 यानी 20 से 30 तक अगर जो है कोई कमाता है 30,000 तक कमाता है या 27 कमाता है या 25, 28 कोई भी कमाता है तो फिर उसको क्या करना पड़ता है जो रेट ऑफ टैक्स है वो कितना देना पड़ता है 2% देना पड़ता है। अगर वो 30,000 फिक्स कमाता है, 30,000 कमाते हैं तो 30,000 पे उसको कितना देना पड़ता है $200 देने पड़ते हैं, और अगर 30,000 से फर्दर 10,000 पे 3.5 में, तो उतने रेशो है आपने पूरी डिटेल भी नहीं जाता। अब जो अगर आपके पास 40,000 है तो पहले 40,000 उससे ऊपर की अमाउंट है तो पहले 40,000 पे आपको $550 जो है फिक्स देने पड़ते हैं। तो अब देखो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची, टोटल 42,000 था जिसमें से 40,000 पे तो फिक्स टैक्स है, 40,000 पे फिक्स टैक्स है तो पीछे उसके पास कितने बच गया $2,000 जो है उसको पे टैक्स देने। तो रेट ऑफ जो टैक्स है ऑन अमाउंट मोर देन 40,000 यानी $40,000 से जो ऊपर की अमाउंट है उस पर रेट ऑफ टैक्स कितना है 7,000 है, तो अमाउंट ऑफ टैक्स कितनी हो जाएगी, पैसे कितने होंगे अमाउंट ऑफ टैक्स, सिंपल है अमाउंट ऑफ टैक्स 7% किसका $2,000 का, तो 7 जिस नंबर के साथ परसेंटेज होता है उसके नीचे 100 लगाते हैं, ऑफ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लायर और 2000 ऐसे ये वाले 2 0 इन 2 0 से कट गए 7 मल्टीप्लायर बाय 20 $140। तो अब देखें $140 हो गए, ये किस पर, ये $2,000 उसमें $140 टैक्स देने, तो टोटल
टोटल पे एबल टैक्स कितना हो गया। देखो ये जो ये वाली अमाउंट थी तो फिक्स था, पहले 40,000 पे उसने कितने पैसे देने हैं, $550 उसने पहले 40,000 देने हैं। उससे जो ऊपर की अमाउंट है उसमें उसका कितना है 140 ऊपर का जो टैक्स है वो बनता है। तो जो टोटल टैक्स उसके पास बन रहा है वो बन रहा है $690, यानी $690 उसको अगर वो 42,000 उसकी इनकम है तो $690 जो है उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हो गया कंप्लीट। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, बेशक वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा तो स्टूडेंट नोटिस नोट जो है इसका डेटा मैंने लिख दिया है ताकि कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर दें। अब देखो कोई क्वेश्चन ये कहता है कि एक बंदा है जिसकी जो टोटल इनकम मिस्टर जो भी अजीब सा नाम है टोटल जो इनकम है उसकी 284,000 है, मतलब 2,84,000 उसकी टोटल इनकम है। जिसमें वो कह रहे हैं उसको जो पर्सनल रिलीफ है वो 3,000 है, चाइल्ड रिलीफ जो है 2 × 4,000 8,000 है। ये आपके बुकलेट में सारा चीजें टेबल की शक्ल में लिखी हुई है, मैंने यहाँ लिखी है। अब वहां पर उसने क्या लिखा है $4,000 पर चाइल्ड। नीचे वो स्टेटमेंट में कहते हैं कि गिवन दैट ही हैज टू चिल्ड्रन, उसके दो बच्चे हैं ना, दो बच्चे हैं, तो इसलिए मैंने 2 से इसकी मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 8,000। CPF कंट्रीब्यूशन जो है वो उसने दे दिया, कह रहा है $28,500 है, और डोनेशन वो कितनी देता है $3,500 जो है वो डोनेशन है। टोटल वो इनकम जो है वो 2,84,000 है, जिसमें ये सारी चीजें जो है ऐड करते हैं टोटल हमारे पास जो रिलीफ है टोटल, ये भी यहाँ से लेकर ये यहाँ तक टोटल रिलीफ की अमाउंट आ जाती है, ये यहाँ से लेकर ना ये सारा रिलीफ है। तो जो टोटल रिलीफ है वो 43,000 बनता है। कैसे 43,000, 3,000 प्लस 8,000 प्लस 28,500 प्लस 3,500, इन सारी अमाउंट को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल रिलीफ यानी 1, 2, 3, 4 इन चार जो है इनका जो टोटल रिलीफ बनता है वो 43,000 बनता है। अब हम देखते हैं कि रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, टोटल वो कितने पैसे कमाता है, 2,84,000 कमाता है, जिसमें से तो रिलीफ में उसे को पैसे कितने हैं 43,000, तो रिलीफ को बीच में से माइनस कर देंगे क्योंकि वो टैक्स में नहीं आएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इसलिए टोटल अमाउंट में से रिलीफ वाली अमाउंट हमने सब्ट्रैक्ट कर ली। पीछे हमारे पास नेक्स्ट वो खुद कहते हैं आगे, कह रहे हैं पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट 22,20,750, कह रहे हैं कि जो पहले 2 लाख है, पहले 2 लाख डॉलर है उन पर फिक्स जो है टैक्स है वो कितने हैं 20,750। आपकी बुक जो सेकंड लास्ट लाइन है आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट में उसमें ये चीज उसने मेंशन की हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दी है कि उसने जो टोटल पेएबल टैक्स है कब जो फर्स्ट 2 लाख है उसके हिसाब से वो 20,750 है। अब हम चेक करते हैं कि रिमेनिंग अमाउंट जो है या रिमेनिंग पेएबल टैक्स पेएबल हो, रिमेनिंग टैक्स पेएबल हो, टैक्स पेएबल रिमेनिंग टैक्स अमाउंट, या इसको इस तरह लिखता हूँ बस, रिमेनिंग टैक्स पे रिमेनिंग टैक्स इस तरह लिखता हूँ, टैक्स पेएबल अमाउंट की जो रकम बचती है जो टैक्स पेएबल है वो कितनी बच जाती है। तो लाजमी बात है उसके पास 2,41,000 जो थे उसके पास अमाउंट थी, जिसमें से 2 लाख हम इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास पीछे कितना आ जाएगा 41,000 जो है हमारे पास पीछे बच जाएगा। ठीक है, अब 41,000 जो है वो अमाउंट है जिस पर क्या होना है टैक्स लगना है। क्यों टैक्स लगना है, क्योंकि इस पर तो टैक्स 2 लाख तक तो टैक्स फिक्स हो गया, इस पर 2,41,000 पे टैक्स दे रहा था, 2 लाख पे फिक्स है, 20,750 है, अब 41,000 पे टैक्स है। अब रेट ऑफ टैक्स कितना दे रही है, रेट ऑफ टैक्स जो उसने दे लिया वो कितना दे दिया, परसेंटेज ऑफ टैक्स क्या देख सकते हो 18%। तो अमाउंट ऑफ टैक्स हमने निकाली, अमाउंट ऑफ टैक्स क्या होगा 18% ऑफ 41,000 के 18% जो है उसने टैक्स देना है इस पर, 20 को 20 से कैंसिल, 18 × 410। अब 18 × 410 7380 टैक्स,
अब टोटल पेएबल टैक्स कितना है? देखो दो टैक्स है, एक ये वाली टैक्स है जो पहले 2 लाख पे लगेगी, वो कितनी है 20,750 प्लस जो 20,000 है, यानी कि 2 लाख से ज्यादा अमाउंट, कितनी अमाउंट थी 41,000, तो 41,000 भी थी उसके ऊपर 18% टैक्स लगा था, वो टैक्स कितना बना 7,380 यानी 7,380, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 20750 प्लस 7380 28,130 $28,130 जो है उसको देखो टैक्स देना पड़ेगा अगर वो $2,41,000 उसकी इनकम है, तो इस बार उसने कितना टैक्स देना है 28,130 क्योंकि जो असल तो इनकम ये है लेकिन उसमें से रिलीफ है ना जिस पर टैक्स नहीं लगना, वो वाली वैल्यू जो है बीच में से माइनस हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरह हमने प्रैक्टिस नाइन भी कंप्लीट कर ली। स्टूडेंट हमारे पास प्रैक्टिस नंबर जो 10 है उसमें एक दो क्वेश्चन है मैंने लिख दिए हैं, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी एजेंट है, वो एक घर बेचता है, घर जो बेचता है वो कितने में सेल करता है 5,28,000 में क्या करता है बेच देता है, ठीक है। जो एजेंट है उसकी जो कमीशन का रेट है परसेंटेज ऑफ कमीशन है वो 2% लेता है, तो बताएं कि अमाउंट ऑफ कमीशन उसमें कितनी बनेगी उसकी, उसने कितना परसेंट है यानी कि जो 2% अगर इसका लेता है तो उसे टोटल पैसे कितने रिसीव होंगे, कमीशन की अमाउंट कितनी बनेगी, यानी अमाउंट ऑफ कमीशन हमने क्या करेंगे निकालनी है। तो अमाउंट ऑफ कमीशन के लिए हम सिंपल क्या करेंगे 2% ऑफ टोटल जो सेल प्राइस है ना उसका होगा 2% ऑफ सेल प्राइस, यानी यूं ले सकते 2% ऑफ सेल प्राइस, तो मतलब ये हो जाएगा 2/100 हो जाएगा आपको, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ सेल प्राइस की जगह कितना आ जाएगी $5,28,000 जो है हमारे पास आ जाएंगे। इन दो जीरो को दो जीरो से कैंसिल कर देंगे 2 × 5,280 ये जीरो है, ठीक है जी। 0, 2 × 16, 6 × 1, 2 × 4, 15 and 2 × 5 = 10 तो $10,560 जो है उसका कमीशन बनेगा अगर वो एक जो घर है वो बेचता है 5,28,000 में वो घर बेचता है तो उसका कितना बनेगा 10,560 रुपये। अच्छा इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें जो आंसर है ना आंसर है इसमें वो तकरीबन आप कह सकते हैं क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन है इसमें हमें वो आंसर चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले वाले क्वेश्चन में उसने कह दिया कि भाई एक घर है वो 5,28,000 में एक एजेंट ने बेच दिया और उसकी परसेंटेज की जो परसेंटेज है ना कमीशन का जो परसेंट है यानी कितने परसेंट उसने कमीशन लिया 2%, कह रहा था अगर वो 2% कमीशन ले और वो घर बेचे 5,28,000 में तो कितने उसके पैसे बनेंगे कमीशन के, जबकि इस वाले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक बंदा जो 25,375 रुपीज उस बंदे ने कमीशन ले लिया और जो कमीशन उसने जिस रेट से लिया वो रेट कितना था 3.5%, यानी उसने जो चार्ज किया पार्टी से कमीशन उसने क्या किया 3.5% के हिसाब से चार्ज किया, उसको टोटल कमीशन बना $25,375। अब वो कह रहे हैं कि बताएं कि उसने घर बेचा कि यानी बेचा कितने में, क्या प्रॉपर्टी एजेंट लाजम तो है उसने क्या बेचा जी प्रॉपर्टी बेची है तो कह रहा है कितने में उसने बेची, तो उसके लिए हमें हमारे पास सेल प्राइस इक्वल टू अमाउंट ऑफ कमीशन आपने सिंपल लिख देना 375 यानी कितना कमीशन है परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ कमीशन 3.5 है मल्टीप्लाई में आपने 100 कर देने, तो जब आप 3 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 2,53,750 और लगा दो और 3.5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, जब हम इसको डिवाइड करते हैं 7,25,000 यानी इतने में उसने क्या कर दिया घर को सेल किया, तब जाकर यानी प्रॉपर्टी को इतने में सेल किया तब जाकर उसका जो कमीशन है 3.5% के हिसाब से वो कितना बनता है 25,375 डॉलर वो कमीशन से लिया और इतने में उसने सेल प्राइस लिया इतने में से घर बेचा।